तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कूलम्स लॉ से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन लिखिए, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, आपके सवाल आपके स्क्रीन में देखा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल एंड देयर इंडिविजुअल चार्ज आल्सो गेट डबल, व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। कहा जा रहा है कि चार्ज है हमारे पास, दो सेम पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं क्यू है चार्ज, क्यू चार्ज है, इसके बीच में सेपरेशन आर है। बच्चों कहा यह जा रहा है कि इस सवाल में अगर जो उसके बीच के दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जा रहा है, दैट मींस यहां पे आर को कर दिया गया है 2R और क्यू को कर दिया गया है, दैट मींस कैपिटल क्यू जो है हमारा चार्ज को भी क्या कर दिया गया, चार्ज को भी डबल कर दिया गया, दैट मींस चार्ज को भी 2Q कर दिया, 2Q कर दिया गया है। तो अब इसके बीच में दोनों चार्ज जो नए चार्ज बने हैं, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है बच्चों। और यहां पे हम देखते हैं K को ऐसे रखेंगे, Q को डबल कर दिया गया है, दैट मींस 2Q इनटू 2Q बाय सेपरेशन को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है, दैट मींस R से क्या कर दिया गया 2R, तो 2R का स्क्वायर लगा देंगे हम। बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, 2 2 4 Q स्क्वायर बाय 4 R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, K हमारा कांस्टेंट यहां पे ऑलरेडी है। तो बच्चों हम यहां पे देख रहे हैं हमारे पास अगेन क्या आ रहा है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर आ रही है, जो कि हमारा F के बराबर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कि F हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुई होगी, काफी बेसिक से ये सवाल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जल्दी से इसको हम मिटाते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है, इसके तरफ आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि चार्ज क्यू है जिसको डिवाइड करके दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है, और इसको एक सेपरेशन आर के बीच में रखा जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिवाइड, जो चार्ज को हमने डिवाइड किया है उसकी वैल्यू हमको यहां पे फाइंड आउट कर देनी है। तो चलिए बच्चों करते हैं हम लोग इसको, मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए चार्ज क्यू है, इसको डिवाइड कर करके इसको क्यू कर दिया गया, एक पार्ट को जब हम क्यू मानेंगे तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, उसी में से क्यू हम घटाएंगे तो वो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, और एक चार्ज हमारा हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, है कि नहीं, समझ में आया बच्चों। एक चार्ज को डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड कर मान लीजिए 4 है, तो दूसरे को आप क्या लिखेंगे, दूसरे को 8 माइनस 4 लिखेंगे, बस वैसे हमने एक चार्ज जो यहाँ पे लिखा है वो चार्ज को हमने क्यू मान लिया है, स्मॉल क्यू, ठीक है, और जो सेकेंड चार्ज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो हमने डिवाइडेड चार्ज के टोटल चार्ज से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन बन रहा है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई करेंगे क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों फोर्स जो है हमारा, फोर्स मैक्सिमम का एक कंडीशन होता है, फोर्स हमारा मैक्सिमम कब रहेगा, जब हम फोर्स की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू चार्ज और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशन है। ये क्या है बच्चों, ये कंडीशन होता है मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स निकालने की कंडीशन हमेशा यही होती है कि df by dq is equal to zero। अगर जो इस फोर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है हमारे यहाँ पे, ये चार्ज के टर्म में कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे df by dq is equal to df by dq करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, q q है तो ये हमारा क्या बचेगा, कैपिटल q माइनस, ठीक है, q स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q और इसका वैल्यू क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। यही है तरीका बच्चों मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हम फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो चार्ज हमारे यहां पर
कैपिटल क्यू क्यू, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू यहाँ पे बच रहा है और क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, टू क्यू होगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों क्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टू क्यू हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू। जब स्मॉल क्यू का वैल्यू बच्चों टू क्यू बाई टू आ गया, तो एक सेपरेट चार्ज में से हमें एक चार्ज मिल चुका है और दूसरा चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा चार्ज के लिए हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे क्यू माइनस क्यू, है कि नहीं, दिस इंप्लाइज क्यू माइनस क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है क्यू बाई टू, दैट मीन्स ये भी हमारे कितना गया बच्चों क्यू बाई टू। तो दो हमारे सेपरेट चार्ज जो है वो क्यू बाई टू और क्यू बाई टू मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि मैक्सिमम फोर्स निकालने का कंडीशन क्या होता है, डीएफ बाई डी क्यू, और इसको जीरो से हम इक्वेट कर देते हैं। इस पार्ट का हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में तो बस यही पार्ट है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल क्यू और टू क्यू आया, जिसको हम जीरो से इक्वेट किए तो हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू क्यू बाई टू आ गई, ठीक है ना। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। ये चार्ज हमने सेपरेट चार्ज निकाल दिए, अब फोर्स निकालना है बच्चों, तो फोर्स निकालने के लिए बस आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए कि चार्ज की वैल्यू आपके पास आ चुकी है q बाई टू इंटू क्यू बाई टू बाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर, आ गई ना मैक्सिमम फोर्स। तो ये हमारे मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, k का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, अब इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या होता है 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर, इसको इक्वेट फिर से करेंगे, f इज इक्वल टू 1 बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ऊपर में क्यू स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास एक सेकंड आंसर आ जाता है, जो ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, इस जल्दी से नोट डाउन करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा डस्ट हो रहा है, चौक का नाम है डस्टलेस चौक, और इतना डस्ट होता है ये हमें फिजिक्स सिखाते हैं, जहां पे भी फ्रिक्शन होगा चौक लिख क्यों पाता है, फ्रिक्शन के कारण ही तो लिख पाता है ना, फ्रिक्शन होगी तो भाई घिसेगी ही पार्ट, है कि नहीं, और पार्ट घिसेगी तो डस्ट कर निकलना ही है, मेटल्स की पार्ट घिस करके पतली हो जाती है, तो ये तो भाई एक चौक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड मैक्सिमम फोर्स। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में आपका होमवर्क यही रहेगा, हम यहाँ पे बस चार्ज तक निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पे ये कहा गया है कि दो चार्ज है, एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज हमारा Q2 है, कहा जा रहा है इसमें से कुछ चार्ज निकाल करके Q2 को दे दिया गया, तो मान लेते हैं कि इसमें से कुछ चार्ज Q चार्ज निकाल लिया गया और यही चार्ज को ट्रांसफर करके इसमें ऐड कर दिया गया, यही तो हो रहा है ना कंडीशन। अब हमारे पास सेम कंडीशन है, इसके बीच में सेपरेशन आ रहा है, तो हम यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू, तो क्यू वन माइनस क्यू और Q2 क्या हो जा रहा है, Q2 प्लस Q2, तो ये हमारे पास दो चार्ज आ रही है बाय सेपरेशन R स्क्वायर, है कि नहीं। अब फिर से वही केस है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स निकालने वाली, वैसे इसको सॉल्व करेंगे, F इज इक्वल टू K रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे Q1 Q2 क्या आ जाएगा बच्चों, बिग ब्रैकेट रखते हैं Q1 Q2, Q1 Q2 प्लस Q1, ये Q2 हो गया, इसको Q रखेंगे, प्लस Q1 Q, ओके, फिर से माइनस इसको इसको करेंगे तो Q2 Q, है कि नहीं, और माइनस Q स्क्वायर, यही हो रहा है ना, तो ये हमारे पास आ रहा है बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन बन के आ रहा है। अब हम मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीएफ बाय डी क्यू करेंगे और इसको जीरो से हम
इक्वेट कर देंगे। तो इस वाले इक्वेशन को dq के रेस्पेक्ट में तोड़ना बच्चों, तो यहां पे कोई भी स्मॉल चार्ज नहीं है, तो इस वाले पॉइंट का जो हमारा ये जो इस वाले पार्ट का ही हम, क्योंकि देखिए यही सारे चार्ज है ना, इसी की हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो ये कैपिटल q है, ये भी कैपिटल q, यहां पर स्मॉल q है नहीं, तो इस वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। इस वाले पार्ट की q1 q by dq अगर जब हम करेंगे तो एक q यहां पर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस यहां से बच जाएगा q1, है कि नहीं, यहां से क्या बचेगा बच्चों, माइनस q2, और यहां से बचेगा माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पार्ट की आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से q है, स्मॉल q है, dq स्मॉल q के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ रहा है। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, q1 minus q2 is equal to, उसको वहां करते हैं 2q, that means small q is equal to आ गया हमारे पास q1 minus q2 by 2। तो small q का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, q1 minus q2 by 2। अब ये जो q है इस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे now q1 minus q का वैल्यू डाल दीजिए, q1 minus q2 by 2, एलसीएम एलसीएम वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है, वैल्यू वगैरह पुट आप कर सकते हैं आराम से। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2q1 माइनस q1 प्लस q2, यही होगा ना, बाय 2, 2q1 में से एक q1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, q1 प्लस q2 बाय 2। तो देखिए चार्ज का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, चार्ज का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो फाइंड द ट्रांसफर चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, हमको यहाँ पे बात किया जाए तो बच्चों ट्रांसफर चार्ज तो हमने निकाल लिया, यही है, इतना ही चार्ज हमने ट्रांसफर किया था, तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने ये वैल्यू भी निकाल दिया, q1 माइनस q की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, इसी प्रकार से q2 प्लस फिर से q2 प्लस q, q2 प्लस q की वैल्यू आप सेम यही वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं और मैक्सिमम फोर्स आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। तो इसकी आंसर फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों, मुझे आपको इस समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर इसको हम रब करते हैं, समझते हैं बच्चों। कहा गया है कि यहां पे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इस पे साइड इसकी क्या है, साइड ए है, और इस पे जो चार्ज है वो कौन है, कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके तीनों साइड कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों, चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, तो कैपिटल क्यू चार्ज है तीनों पे। कहा जा रहा है कि किसी भी एक कॉर्नर पे मैग्नीट्यूड निकालिए फोर्स का, तो बच्चों सिंस ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो हम लोग किसी भी एक साइड को कंसीडर करके फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए इस साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये क्यू चार्ज जो है ये इस पे एक तरह का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसको हम एफ कह देते हैं। अब ये जो क्यू चार्ज है, देखिए सारी चार्ज जो है सेम सिमिलर चार्ज है, सिमेट्री है चार्ज का। अब ये वाला जो चार्ज है ये इस पे भी एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, तो यहां पे भी हमारे ये एफ हो गया। अब हमें इसकी क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, मैं इस बीच की क्यू को हटा देता हूं, ये हुआ यहां पे हमारे क्या, कैपिटल क्यू, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर इसकी हम दो वेक्टर की दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, इसकी रिजल्टेंट हमें निकालने पड़ेगी जो कि बीचों बीच होगा, ये एफ आर हो जाएगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। आपको पता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा करके हम निकाल लेते हैं। अब आपको क्या पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितनी होती है, 60 डिग्री होती है, तो सारे साइड 60 डिग्री हो गए, तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या बच्चों, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस इसके लिए 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 इज 1 बाय 2, उसे 2 कैंसिल, दैट मींस 3f स्क्वायर आ रहा है, और ये रूट लगी हुई है, जब रूट लगी हुई है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3f के बराबर।
वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट थ्री, एफ क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर क्या है ए स्क्वायर है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आ गया, एफ रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया ये। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसी भी साइड पर निकाल सकते थे, ये चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एफ मान लेते हैं, ये चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा एफ मान लेंगे। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए बीचों बीच जाता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी एफ है बी बी एफ है, इसलिए हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आ गया अंडर रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। चलिए करते हैं, कहा जा रहा है कि बच्चों के स्क्वायर है आपके पास, ठीक है एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है स्क्वायर में क्या किया गया बच्चों की स्क्वायर के अपोजिट साइड में कैपिटल क्यू है और एक अपोजिट साइड में स्मॉल क्यू है, ठीक है और कहा जा रहा है क्यू पे नेट फोर्स जीरो है, कोई भी एक क्यू पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है क्यू पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्यू पे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं कैसा, एक इसके कारण इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है तो फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू रख देते हैं, इसके कारण एक इस पे फोर्स लगेगा तो ये लगा फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, इसके कारण जिस पे फोर्स लगेगा ये भी फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, दोनों पे सेम फोर्स लगेगी है कि नहीं बच्चों। चलिए और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो ये भी 45 और ये भी 45, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, ठीक है क्लियर है। चलिए और कहा जा रहा है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स भी कितना है जीरो के बराबर, दैट मींस ये तीनों फोर्स का जो सम है ये किसके बराबर होना चाहिए जीरो का बराबर होना चाहिए, दैट मींस कहने का मतलब ये है बच्चों कि सिंस लिख सकते हैं सिंस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एफ क्यू सीधा टू एफ क्यू लिख सकते हैं, दोनों का कंपोनेंट सेम होगा टू एफ क्यू है कि नहीं, और यहाँ पे तो ये FQ हो गया। अब ये FQ को इसके कंपोनेंट के अलोंग तोड़ेंगे बच्चों, ये FQ को इसके कंपोनेंट के अलोंग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं FQ cos theta, इस FQ के इसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो ये भी FQ cos theta, दैट मींस हमारे पास क्या आ रहा है टू एफ क्यू कॉस थीटा और थीटा कितना है 45 डिग्री है, प्लस ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यही तो इक्वेट करना है ना हमको। अब देखिए इसकी साइड जो है, इसकी साइड क्या है बच्चों ए है, सारे स्क्वायर की साइड ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस निकालने का क्या तरीका होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर है कि नहीं, तो अंडर रूट टू ए हो जाएगा है कि नहीं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब हमारे पास क्या होगा टू एफ क्यू निकाल रहे हैं हम, फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टू एफ क्यू, इसके कारण जो फोर्स लग रही है बच्चों, इसके कारण जो फोर्स लग रही है क्या लग रही है ये वाला फोर्स जो हम लोग निकाल रहे हैं स्मॉल क्यू के कारण, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, ये लिखेंगे ना ए स्क्वायर एंड कॉस 45 वन बाय अंडर रूट टू होती है प्लस एफ क्यू इसके बीच की चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन देखिए यहाँ पे क्या अंडर रूट टू ए, तो रूट टू ए का स्क्वायर करेंगे रूट टू ए का स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू जीरो के बराबर यही ना, वापस से इसको सॉल्व करते हैं तो टू के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू वन बाय अंडर रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू ए है कि नहीं बच्चों, रूट टू का स्क्वायर टू और ए का ए स्क्वायर, ठीक है बस टू पे रूट लगा हुआ है और इसका वैल्यू किसके बराबर है जीरो। चलिए तो बच्चों अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको लिखते हैं टू के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर अंडर रूट टू इज इक्वल टू उस साइड कर देते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, ये रखते हैं अभी के लिए, ठीक है
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए बच्चों, इसको भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। टू को हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू के क्यू क्यू बाय अंडर रूट टू इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय टू। रूट टू से रूट टू कैंसिल कर सकते हैं, के से के कैंसिल कर देंगे, क्यू से एक क्यू कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों बच क्या रहा है, अंडर रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल क्यू भी बच रहा था, तो ये क्यू हमको क्या चाहिए था बच्चों, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो चाहिए था। तो हम स्मॉल क्यू को वहां लाना चाहेंगे, इसको वहां भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय क्यू। दैट मीन्स क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, दिख रहा है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। इसका वैल्यू क्या निकला, साइन को वहां भेज दीजिए माइनस टू रूट टू, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12th की नीट आईआईटी की आप तैयारी कर रहे तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो आपकी लाइक शेयर और कमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है हमें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो देखे तो जरूर कमेंट करके बताया करिए क्या चेंजेस ला सकते हैं आपको, कौन सी टॉपिक पे ज्यादा प्रॉब्लम है, सारे टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।